पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैंने कुछ जानबूझ के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एमडी के कैबिन में आने से पहले नॉक करना मैनर्स भी है और रूल्स भी। सही कह रही है शुभ। एचआर डिपार्टमेंट में मिल लेना, तुम्हारा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तरुण जी सर, मेरे कैफीन शॉट्स का मैंने यहां रखे थे। आई नीड माय कैफीन शॉट्स। ओके सर, अभी लेकर आता हूं। अभी लेकर। हाँ सर। समझ क्यों नहीं आ रहा है कुछ? मेरी ब्लैक कॉफी का टेस्ट खराब करने के लिए थैंक यू। पहले से ज्यादा महंगी लगने लगी है अब। सुना है आपने मेरे पूरे महीने की कॉफी का एडवांस दे दिया है। इतने अकड़ू है कि एहसान उतारते उतारते और एहसान चढ़ा दिया मुझ पे। खड़ूस, एहसान उतारने का मौका दिया होता तो एहसान नहीं चढ़ता। खड़ूस अरे अरे क्या हुआ? लगी तो अरे पानी पानी पिलाओ। अरे लगी तो नहीं आपको? अरे देखो, अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे कैसे ठीक हो सकते हो? ऐसे अमीर लोगों के होते हो, कोई भी कैसे ठीक हो सकता है? गाड़ी है तो क्या किसी को चढ़ा दोगे? मेरा पाँव कहाँ चोट लगी है? बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो। अरे गाड़ी है तो क्या हम लोग क्या सड़क पे चढ़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं क्या? किसी को भी मार के चले जाओगे क्या? बहुत जोर से लगी। I'm really sorry. मैंने कुछ जानबूझ क्या सॉरी? अब तक तो गाड़ी में बैठ के आप तमाशा देख रही थी। देखिए मैंने जानबूझ कह रहे हैं आप। तुम How dare you? सुना आप लोगों ने? सॉरी से सीधा हाउ डे यू पर आ गई। अरे दो मिनट में इसके तेवर बदल गए। और देखना अभी कहेगी कि मैं जानबूझकर इसकी गाड़ी के सामने आई हूँ, है ना? हाँ तो ये सच है, तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई। सुना आप लोगों ने? अब ये बोलेगी मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मेरा पाँव तोड़ दिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? देखा नहीं एक तो कितनी चोट लगी है और तुम मदद करने के बजाय इसी पे इल्जाम लगा रही हो। One second. अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे कहाँ चली गई? एक तो चोट। ऐसे ही होते हैं ये लोग। क्या ऐसे कैसे लोग आते हैं यार? ये लो पैसे और अपना ट्रीटमेंट करा लेना। पैसे देकर मेरा मुंह बंद करना चाहती हो तुम? हाँ अगर ये सॉरी बोलती ना तो मैं अपना मुंह बंद भी कर लेती, लेकिन अब तो तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अरे बड़ी गाड़ी है तुम्हारे पास तो कुछ भी करोगी क्या? तुम्हारी खुद की रोड है। हाँ है, और मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे ड्राइव करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? सुना आप लोगों ने? सुना देखो क्या बोल रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इस अमीर ज़ादे की गाड़ी से इन्हें चोट लग गई है और ये इन्हीं को दोष दे रही है। देखिए ना कितने जोर से लगी इनके पैर में। बहुत जोर से लगी है। मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। ऐसे कैसे आपके साथ चलना होगा? मैं कहीं नहीं जा रही। या तो सीधे से चलिए नहीं तो हमें आपको अरेस्ट करना होगा। बिना लेडी कांस्टेबल के आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। विदिका आंटी बहुत बैड है मम्मा, वो सबको हर्ट करती है, मीन है। उससे पहली बार मिली थी तभी भी रूडली बात की थी, तब तो उनको पता भी नहीं, तब तो वो मुझे पहचानते भी नहीं थे। कब? अरे आप उनको याद नहीं है जब आप मुझे पुलिस स्टेशन लेने आए थे, जब आप ऋषि के घर से चले गए थे? हाँ तब उन आंटी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्या वो वेदिका थी? उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला और पुलिस आंटी के सामने मुझे चोर बोला। मुझे नहीं अच्छी लगती वो। शिंदे मैडम, चलिए
कि मेरी बेटी की इंसल्ट करने के लिए वेदिका, हर वो तकलीफ जो तुमने मेरी बेटी और मिस्टर कपूर को दी है ना, उन सब का हिसाब करूंगी मैं, सबका। थैंक यू। आई नो वेरी वेल कि पीए का जॉब क्या होता है, बॉस को खुश करना। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे 100 के फॉलोवर्स के लिए, वैसे आपका अकाउंट किस नेम से है? डोंट टेल मी आप सोशल मीडिया पर ही नहीं है। मैं काम भी करता हूँ, कंपनी चलाता हूँ, काफी बड़ी कंपनी है तो। एंड नेक्स्ट। थैंक यू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू? आई एम राम कपूर फ्रॉम बैंड्रा। क्या कर रही हो तुम? ऑडिशन में यही तो सब करते हैं ना। Don't get me some coffee, man. Thank you. We'll call you. चुन्नी बाबू। अब और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ओके? कोई नहीं चाहिए मुझे। नहीं। मैंने कहा। तुम? May I please come in, sir? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे पैसे लौटाने आई हो। मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुमसे। It's okay. मैं तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे पता चला? ओ, इस तरह तुम पैसे कमाती हो? अच्छा, पहले लोगों को ढूंढती हो, उनकी मदद करती हो, फिर उनसे ही पैसे वसूलती हो। पैसे वसूलती हो, राइट? गैंग वैंग होगा तुम्हारे साथ, कोई होगा तो पीछे छुपा के रखा होगा ना। सुनो, मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, ओके? मैं भी राम कपूर हूँ, राम कपूर फ्रॉम बैंड्रा। मेरी सिक्योरिटी है, बॉडी गार्ड्स है मेरा। राधी से मिली हो ना तो मेरा मतलब तुम्हारे जैसे वो 100 को संभाल लेगा वो, ओके? सो जस्ट या एक मिनट, जस्ट बिकॉज मैं गरीब हूँ तो मैं क्या क्रिमिनल बन जाती हूँ? आपके पास पैसे हैं तो क्या आप बाकी लोगों को नीचा दिखाएंगे? मैंने कब कहा कि तुम क्रिमिनल? हाँ तो गैंग किसके होते हैं? क्रिमिनल्स के। मैंने ऐसा कहा, I'm bad, my bad, sorry. Sorry तब कहिए जब दिल से आए। हाँ तो फिर से वापस तो ले नहीं सकता ना अब तो आप वापस लेना चाहते हैं? मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? आपको मेरे बिजनेस प्लान के लिए मीटिंग करनी थी ना इन्वेस्टर्स के साथ, कब करोगे? जब मुझे मेरी पर्सनल असिस्टेंट मिल जाएगी और मीटिंग सेट करेगी। यू नो आई ऑलरेडी हैव टू मच ऑन माय प्लेट, ओके? या पर आपके पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यूज तो खत्म हो गए ना, प्रिया कौन है? ओ तो कहीं तुम इंटरव्यू के लिए तो नहीं आई हो? और सर मेरा पर्सनल असिस्टेंट का तजुर्बा ये कहता है कि एमडी के कैबिन में आने से पहले अपॉइंटमेंट ना सही पर नॉक करना तो जरूरी है ना? एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल, अभी तक तुम पीए बनी नहीं हो भाई। हाँ लेकिन आप तो इनके लिए काम करते हैं ना, मतलब एमडी के कैबिन में आने से पहले नॉक करना मैनर्स भी है और रूल्स भी। इसे पता भी है किससे बात कर रही? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? शिवू वो अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही है, इट डजंट लाइक जस्ट। आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं इनकी बात को? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि ये जो कह रही है सही कह रही है? मैं सही कह रही हूँ, मतलब आप एमडी हैं, ये ऑफिस है आपका और ये सिर्फ आपके एम्प्लॉय हैं, भाई नहीं। मेरा मतलब है कि बाकी एम्प्लॉयज के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी ना, तो मैं बस ये कह रही थी। जानता हूँ राम भाई को अच्छे से, मेरी ही साइड लेंगे। इस बदतमीज लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर करता हूँ। जॉब मिली भी नहीं है तुम्हें और तुम हम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। हेलो यशमिश, अपनी हद में रहोगे? हद में रहना जरूरी है, सही कह रही है शुभम। रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, राइट? एक समान। तुम्हें यहाँ आने से पहले नॉक करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि हम गलत एग्जाम्पल दें हमारे एम्प्लॉयज को। शी इज राइट, या पर चेक करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट भी तो होना जरूरी है ना? क्या चेक करने के लिए? हाँ। ये कौन? ये रही मेरी पर्सनल असिस्टेंट। क्या क्या? प्रीटी राइट? लवली। ब्यूटी? या ओके सो ब्यूटी लवली। लवली इज माय न्यू पर्सनल असिस्टेंट। या फिर से नाम भूलना शुरू? अब डेली नए नए नाम से बुलाएंगे मुझे। आर यू सीरियस? ये नक्चड़ी आपकी पीए, ये मुझे आपके भाई को आपके केबिन में आने से रोक रही है।
What are you saying? आपके पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते मुझे लगता है कि इनको आपकी अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए इस कंपनी के एमडी मिस्टर कपूर से मिलने के लिए. फाइन. शुभम. अच्छा हुआ शुभम ने मुझे पहचाना नहीं. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.